अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ दही की कढ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे और उसके लिए हमको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम पहले एक सॉस पैन में दही डाल देंगे। वन कप बेसन डाल देंगे। हरी मिर्ची का पेस्ट है ये 15 से 20 हरी मिर्ची है ये। इसको मैं यहाँ पर ग्राइंड करके रख ली थी पहले से ही। हल्दी पाउडर, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसमें, और अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। और थोड़े हरा धनिया डाल देंगे इसमें हम। करी लीव्स भी ऐड कर लेंगे इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम भजियों का आटा बना के रख लेंगे। बेकिंग सोडा है ये, और हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, प्याज, सॉल्ट। अब हम इसको पानी से भिगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका थिक पेस्ट बनाएंगे। पतला नहीं होने देना है इसको। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें ये भजिए डाल देंगे। भजियों को कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये भजियों का कलर चेंज हो गया। अब हम इसको निकालेंगे। अब हम कढ़ी को पका लेंगे। ये गाढ़ी होने तक पका लेंगे हम इसको। अब ये कढ़ी गाढ़ी हो गई। अब हम इसको और 2-3 मिनट तक पका लेंगे, और ऐसे ही इसमें चमचा हिलाते रहेंगे। अब ये कढ़ी गाढ़ी हो गई। अब हम इसको और 2-3 मिनट तक पका लेंगे। अब ये कढ़ी बन गई। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसमें ये भजिए मिक्स कर लेंगे। अब हम भजिए ऐड कर लेंगे इसमें। अब हम इसको बघार लेंगे। बघार लेंगे कढ़ी को, और एक फ्राइंग पैन में ऑयल डाल लेंगे। पहले हम करी लीव्स डाल देंगे। लहसुन डालेंगे।
जीरा, राई, अब इसका थोड़ा कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। इसमें ड्राई रेड चिली डालेंगे, अब हम इसको कढ़ी में डाल देंगे। अब हम ये बघार कढ़ी में डाल लेंगे। अब हमारी ये दही की कढ़ी तैयार है।